इस देश में हिंदू होना ही अपराध है क्या? आप लोग ऐसा नहीं मानते होंगे, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी जरूर ऐसा मानती है। समझ ही गए होंगे कि किन की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। अगर कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया अलायंस का लक्ष्य अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आम हिंदुओं की सदियों पुरानी राम जन्मभूमि आंदोलन को हराना था, तो मंदिर को हकीकत बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैकड़ों हिंदुओं को इससे बड़ा अपमान और कुछ भी नहीं हो सकता है। अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुओं का भावनाओं से खेलने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। उनकी पार्टी के नेता कभी रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, उसे जलाते हैं, और कभी अखिलेश खुद सन्यासियों को तुलना माफिया से करते हैं। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में आपको बताने वाला हूं इस देश में हिंदुओं की क्या हालत है। कभी कभी ऐसा फील होता है मन में अपन को कि इस देश में हिंदू होना ही अपराध है क्या? आप लोग ऐसा नहीं मानते होंगे, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी जरूर ऐसा मानती है। आप उनकी बातें सुन लेंगे तो आपका तन बदन में आग लग जाएगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तड़प के रह सकते हैं और वो आपकी मान्यताओं, मर्यादाओं और संस्कृति का रेप करते चले जाएंगे, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। हमारा हजारों साल की इतिहास पर वो हंसते हैं, हमारा रीति रिवाज का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप प्याज की कीमतों पर चंद रुपये के लालच के अपनी अस्मिता का सौदा कराते हैं। ये दोनों लड़के बार बार आपको एंटी हिंदू फीलिंग्स दिखा रहे हैं और आप ही उनको अपना वोट दे आ रहे हैं। और क्या दे रहे हैं कि ये आपको खटाखट की सपने दिखाते हैं और दूसरा आपको अपनी कास्ट का लगता है। समझ ही गए होंगे कि किन की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। अब आपको ये दोनों लड़के कैसे आपका मजाक उड़ाते हैं सुनिए। एक कहते हैं वो भी पार्लियामेंट की हिंदू हिंसक होते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, और दूसरा कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में क्या अंतर है। मतलब इस देश में जो भी आतंकवाद, हत्या, चोरी, लूट, डकैती, सब कुछ हिंदू कर रहे हैं, बाकी तो सब शांति की दूत बने हुए हैं। क्या मजाक है भाई। और मुझे नहीं पता है कि महामहिम राहुल गांधी ने कभी भारत या हिंदू का इतिहास पढ़ा है या नहीं। अगर अतीत में हिंदू वास्तव में हिंसक होते तो औरंगजेब या माउंट वेंटन इस देश का शासन नहीं किया होता। क्या हमारे पास अब कोई हिंसक हिंदू नेता है? नहीं। अगर हो तो हाल ही के दिन में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो चुका होता, जबकि यहाँ तो खुलेआम सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। भारत के इतिहास में हिंदू हिंसा एक दुर्लभ चीज थी। भारत पर केवल 3 हिंदू साम्राज्य ने शासन किया, गुप्त, चोल और राजकूटों, अर्थ हिंदू साम्राज्य। उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। राहुल गांधी सनातन धर्म से खुले तौर पर नफरत करके सीटों को लगभग 2 गुना करने में सफल रहे हैं, और वह सफलता से बहक गए। उन्हें लगता है किसे और आगे बढ़ाकर वो जीत की दहलीज पार कर सकते हैं, और इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, और आप जैसे लोग उन्हें शांति का मसीहा बताकर वोट दिए जा रहे हैं। मित्रों, हाल ही में संसद में राहुल गांधी ने अपना भाषण के दौरान भगवान शिव का तस्वीर दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदुओं के मामले में उनका क्या रुख है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं,
तो अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू विरोधी प्रतीत होते हैं। और हिंदू प्रतीकों जैसे महादेव की तस्वीर दिखाना, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से अभय मुद्रा जोड़ना, उनका प्रयोग हिंदू समाज को विभाजित करने और उसे भीतर से नष्ट करने की संभावना रखती है। पिछले दिनों गुजरात में उन्होंने जो कहा उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा अयोध्या में भाजपा को हराकर इंडी ब्लॉक ने भाजपा को दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा शुरू किए गए राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है मित्रों। कांग्रेस पार्टी और इंडी ने उन्हें अयोध्या में हराया है, वे वाकई कुछ बड़ी बात कह रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और उनके इंडिया अलायंस का लक्ष्य अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आम हिंदुओं की सदियों पुरानी राम जन्मभूमि आंदोलन को हराना था, तो मंदिर को हकीकत बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैकड़ों हिंदुओं को इससे बड़ा अपमान और कुछ भी नहीं हो सकता है। वो निश्चित रूप से हिंदू विरोधी है और संसद में भगवान शिव की तस्वीरें दिखाना हिंदुओं को अपने पार्टी के लिए वोट देने के लिए धोखा देने का प्रयास है। राहुल गांधी की हरकतें बताती है कि वे ना केवल बहुत डरे हुए हैं बल्कि डर भी फैला रहे हैं। उन्हें एक भी शब्द बोलने से डर लगता है जिससे उनके अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन नाराज हो जाएंगे और वे अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुओं और हिंदुत्व को देश का दुश्मन बताकर उनके प्रति डर फैला रहे हैं। संसद में अपनी भाषण में उन्होंने दावा किया कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। क्या आप ऐसा है? आप ऐसा मानते हैं? क्या आप अपने शरीर पर बम बांध मुख्य प्रति करना पसंद करते हैं? आप अपने त्योहारों में खुशियां मनाते हैं या तलवार लेकर रोड पर निकलते हैं? क्या करते हैं? राहुल गांधी आपको हमको ऐसा ही बता रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसे ही ठीक और नेता है और जो अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदुओं का भावनाओं से खेलने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। उनकी पार्टी के नेता कभी रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, उसे जलाते हैं और कभी अखिलेश खुद सन्यासियों को तुलना माफिया से करते हैं। आखिर क्यों ना करें? उनमें खून भी उसी तरह से है जिसने सैकड़ों कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए। समाजवादी पार्टी जिसके बाहुबली नेता जैसे अतीक अहमद, आजम खान जाने जाते हैं हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए। अरे वो छोड़िए, उसका एक अदना सा कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ पुलिस को धमकाता है कि उनकी सरकार आएगी तो फिर बदलने के लिए तैयार रहना। अब ऐसे पार्टी और इसके नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ही सोच सकते हैं। अखिलेश यादव का राम मंदिर का उद्घाटन जाने से मना करना भी उनकी घोर हिंदू विरोधी होने का पहचान है। यह मूलतः इवेंजेलिकल ग्रुप्स, इस्लामिस्ट और धर्मनिरपेक्ष आत्म घृणा करने वाली हिंदुओं का खेल है। यह सुनिश्चित करना कि हिंदू और हिंदू धर्म अपने पहचान के लिए संघर्ष करना छोड़ दे और अपने ही देश में धीमी के रूप में रहे। अब धीमी क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको। धीमी शब्द इस्लामी इतिहास और न्याय शास्त्र से लिया गया है, जहाँ इस्लामी शासन वाले देश गैर मुस्लिमी और अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था बनाए रखने और अपने धर्म का पालन करने के लिए कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से इस्लाम के अधीन भूमिका में होता है। संक्षेप में धीमी एक संरक्षित व्यक्ति है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक दूसरे दर्ज का नागरिक है जिसे इस्लामी एरिया नियमों के तहत रहना पड़ता है। यह दोनों नेता जाति गणना की जोरदार मांग कर रहे हैं, पीछे छूट गए लोगों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि समुदाय की मूल हितों की रक्षा में हिंदू एकता की किसी भी संभावना को कम करने के लिए। क्योंकि अगर हिंदू एकता हो गई तो इसकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। अगर राहुल को प्रधानमंत्री बनना है
तो उन्हें इस देश में हिंदू एकीकरण तो तोड़ना होगा। इसी के लिए उन्हें ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हिंदू पहले से ही जातियों में बंटे हुए हैं। आप कितने प्रयास कर लो, आपकी एजेंडा पूरा नहीं हो सकता है। मित्रों, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को बांटने और उस पर राज करने के लिए लागू की गई पूरी जाति व्यवस्था आज भी प्रचलित है, क्योंकि भ्रष्ट सनातन विरोधी और भारत विरोधी राजनेता अपने वैभव उद्देश्य के लिए उस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह आज के हिंदुओं को माफ नहीं करता है, क्योंकि हिंदू अब गलत तरीके से अर्जित धन, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और बाहुबल के इतने आदि हो चुके हैं कि अति भ्रष्ट जिहादी राजनेताओं को ही चुनते रहते हैं। वे हिंदी में एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है रही है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए देश और जनता, ये मानते हैं। यही तो हिंदू भारत के पहले गद्दार जयचंद्र ने कहा था, जिसने अपने निजी एजेंडे के लिए खुद को पहले जिहादी मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को बेच दिया था। परिणाम स्वरूप भारत को राक्षसी लुटेरे और यूरोपीय साम्राज्यों द्वारा लगातार 900 वर्षों तक मारा गया, लूटा गया। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग अपने आक्रमणकारियों के कौशल और जीवन शैली का प्रशंसा करना और उनका प्रदर्शन करने में गर्व महसूस करते हैं। इन हिंदू विरोधी राजनेताओं ने भारतीयों को ऐसा करने के लिए कैसे मंत्रमुग्ध किया, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में कैसे स्टडी बन सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ठीक वही कर रहे हैं जो उनके जैसे लोग सदियों से करते आ रहे हैं। सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ कर हिंदुओं को ये विश्वास दिलाना कि उनकी कायरता एक गुण है और अगर वे सच्चे हिंदू है तो वे आत्मसमर्पण कर देंगे, हार मान लेंगे और चेहरे पर मुस्कान लिए मर जाएंगे। ये राजनीतिक परियोजना ही है जो हिंदुत्व के दानवीकरण, रौद्र हनुमान की निंदा, धनुष बाण वाले भगवान राम पर गुस्सा, अयोध्या आंदोलन पर चीख पुकार, राम मंदिर के प्रति घृणा, इतिहास के रहस्योद्घाटन पर गुस्सा और हिंदू संगठन के खिलाफ शुद्ध नफरत की ओर ले जाती है। अब ये आपको ही तय करना है कि आपको धीमियों की जिंदगी गुजारनी है या फिर संयुक्त रूप से खड़े होकर इस घृणात्मक साजिश को बेपर्दा करना ही पड़ेगा, खत्म करना ही पड़ेगा हमको। यह हर हिंदू के लिए, हर भारतीय के लिए बहुत ही आवश्यकता है। हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हमारा युवा इस विषय पे कोई सोच नहीं रखता है, सब अपने में लगे हुए हैं। अपना पढ़ाई कर लो, अपना नौकरी कर लो, अपना तनख्वाह कमा लो, बंगला बना लो, गाड़ी बना लो, देश जाए भाड़ में। लेकिन मित्रों, आज नहीं तो कल हमारा नहीं तो उनका, उनका नहीं तो हमारा, किसी ना किसी हिंदू भाइयों के नुकसान होता ही है, होगा। इसीलिए हम बार बार उदय इंडिया के थ्रू कहना चाहते हैं, कह भी रहे हैं कि आप लोग इकट्ठी रहिए, कम से कम अपना सुरक्षा के लिए इकट्ठी रहिए। जो हमको अलग करना चाहिए, जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, जो हमारा नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनको चिन्हित करिए, उनको पहचानिए कि उनके असली इरादा क्या है। यही आज का विषय है। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, ऐसे बातें मैं हमेशा कह रहा हूँ, कहता रहूँगा। फिर से अनुरोध करूँगा, आप लोग उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए और ऐसे बातें लगातार जानिए, सुनिए और शेयर भी करिए। जय हिंद।